हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर से हम हाजिर हैं आप लोगों के साथ में नए नए आइडिया लेकर के, जो बहुत ही काम के हैं और बहुत ही यूजफुल हैं और हमारे पैसे और समय दोनों की बचत करेंगे। तो चलिए फिर आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूँ बहुत ही बढ़िया टिप्स किचन के हैं और जो कि सभी को। तो ये देखिए, ये होता है क्या, बच्चे हमारे चाहे जिसके घर में हो, बच्चों को अगर हम चना देते हैं तो ऐसे चने नहीं खाते हैं। तो इसके लिए मैंने इसमें क्या किया है, आप लोग देखिए, रात में हम किशमिश है और काजू है, मूंगफली के दाने हैं और चने साथ में भिगो दिया है। और ये उसको खिलाने से बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होता है और बच्चे हेल्दी होते हैं। तो आप देख रहे हैं, सेब तो हर कोई खाता है, लेकिन इस तरह से लौंग लगा के किसी ने सेब को खाया है ना, कमाल का आइडिया। तो आप लोग देख करके चौंक जाएंगे कि सेब में हम लौंग किस लिए लगा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर देखना है, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखते रहना। तो ये देखिए, ये हमने लिया है एक ताज़ा फ्रेश सेब लिया है और ये हमने लिया है 6-7 लौंग। तो आप लोग सोच रहे होंगे लौंग का ये क्या काम है इसमें, तो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी कि इसका क्या काम है। तो चलिए फिर इसमें हम पहले लौंग को, सारी लौंग इसके अंदर लगा के रख देते हैं, लगाते हैं। तो फूल को ऊपर रखे हैं, फूल को हमने तोड़ दिया है, फूल होगा या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से हम इसमें लौंग को, सारी लौंग चुभा देंगे दूर, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। और इसको हम चुभाने के बाद में क्या करने वाले हैं, आप सभी सेब खाते हैं, सेब तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और सभी लोग कहते हैं कि एक सेब खाओ, डॉक्टर का घर नहीं जाना पड़ेगा। डेली अगर एक सेब खाने लगते हैं तो बीमारियां हमसे कोसों दूर हो जाती हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया होगा कि लौंग के साथ में सेब खाने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आज हम इसका, इसके फ़ायदे के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं ज़्यादा नहीं, 6-7 लौंग इसमें हम लगा देंगे। लगाने के बाद में इसको हम एक कैसरोल में या किसी बर्तन में इसको ढक के ओवरनाइट के लिए रख देंगे। उसके बाद इसको खाने से इतने अच्छे चमत्कारी फ़ायदे मिलेंगे कि आप देख करके चौंक जाएंगे, खुद ही आपको विश्वास नहीं होगा, यही सोचेंगे कि ये हमें पहले क्यों नहीं पता था, मैं पहले से जानते तो ये हम पहले से कर लेते। क्योंकि सेब तो हर कोई खाता है, हर किसी के घर में आता है, ऐसा नहीं है किसी के घर में नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने सारे सेब में लगा करके अब हम इसमें कैसरोल में रख देंगे ताकि ये अच्छे से कवर रहे, लेकिन हल्की सी हवा इसमें आनी चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसका ढक्कन थोड़ा सा खुला रखेंगे हम, और खोल के रखने से रात भर इसको और नाइट हम इसको रख देते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, ये हम आपको आज बता रहे हैं कि इसके फ़ायदे ये हैं कि सेब को जब भी हम इस तरह से खाते हैं तो वो फ़ायदा तो करता है, लेकिन अगर किसी को सर दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, दवाई पे दवाई खा रहा है और सर दर्द नहीं जा रहा है, पुराना है सर दर्द, जैसे काफ़ी दिन हो जाता है, साल हो जाते, 2 साल होता हमारा सर का दर्द नहीं सही होता है, तो क्या हुआ, ये देखिए हमने इसको रात भर इसमें लौंग लगा दी है। और अब ये लौंग को क्या करना है, लौंग को सारी निकाल देना है। निकालने के बाद में हम इसको सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले ब्रश करके और बिना कुछ खाए हुए इस सेब को बिना कट किए हमें ये पूरा सेब ऐसे ही खा जाना है। किसी का भी, जिसका भी सर दर्द हो रहा हो, वो इस तरह से करे मॉर्निंग में सुबह में, सबसे पहले नाक ब्रश करे तो ऐसे ही कुल्ला करके अगर खा ले तो और भी फायदा करता है। तो इस तरह से इसको खाने से हमारा सालों साल चला रहा सर दर्द हमारा चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। आप एक बार एक सेब खा के देखना और फिर मुझे बताना, पहले खा के देखना उसके बाद में हमें बताना कि हाँ ये काम करता है कि नहीं, तो है ना कमाल का आइडिया हमारा। और ये जो लौंग बच जाती है इसको हम मसाले में यूज कर लेंगे, तो इसको करते हैं साइड में। तो मैं पहले यूज करके देख ली हूँ तब आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो क्या होता है, हमें दलिया बनानी होती है, बहुत जल्दी में होते हैं और दलिया बहुत जल्दी बन नहीं पाती है। तो इसके लिए हम क्या करें, जब तक सुबह में हम उठते हैं सबसे पहले दलिया को हम धुल लेंगे। इसको धुलने से, धुल के इसका एक दो बार वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद में देखिए पानी में हम इसको धुल देते हैं। और ऐसे डायरेक्ट बनाने से थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इस तरह जब तक हम सुबह में सारे और काम करते हैं उतनी देर में ये दलिया हमारी फूल के
तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको दो पानी से धुल देते हैं। धुलने के बाद में इसको पानी नहीं रखेंगे, सिर्फ इसी तरह धुल के रख देते हैं। और जितनी देर हम सारे काम करेंगे उतनी देर में हमारी दलिया ये बढ़िया भीग जाएगी। और फिर फटाफट हम इसको घी में भून करके और तुरंत बना लेते हैं, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए है ना कमाल का मेरा ये टिप्स, तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करता रहे करना। तो इस तरह से हमने इसको धुल के रख दिया है। मैं बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेके आई हूँ। ये जो सेब वाला है ये बहुत ही कारगर है, आप एक बार ज़रूर देखना और फिर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ ये काम करता है कि नहीं करता है। क्योंकि मेरी मम्मी यही करती थी, जब भी किसी का सर दर्द होता था तो रात में उसमें लौंग लगा करके रख देती थी और सुबह मॉर्निंग में एक सेब सबको खिला देती थी तो सर दर्द चुटकियों में गायब हो जाता था। अब गर्मियाँ आ गई हैं, हर किसी के घर में कैप होती है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या खुद भी कहीं निकलो तो कैप लगाई जाती है। और कैप लेके आओ तो उसको इधर उधर रख देते हैं ठंडियों में, तो इसमें जो है ये आगे का है जो हिस्सा होता है वो एकदम सीधा हो जाता है तो कैप लगाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम इसको क्या करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। इस गिलास को हम कैप पहना के देखते हैं इससे क्या होगा। तो ये हमने ले लिया है, दो गिलास ले लिया है, मेरे पास दो कैप हैं तो उसको मैं इस ग्लास के ऊपर से ग्लास के ऊपर लगा देंगे इस तरह से। इसको हम थोड़ा सा दबा करके और इस पे एक हम रबड़ बैंड लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो है कैप थोड़ी सी टाइट हो जाएगी और इससे अब वो लचीलापन फिर से आ जाएगा, हमारी कैप बिल्कुल नई की नई हो जाएगी। और इसको हम लगा के छोड़ देते हैं एक घंटे के लिए। अगर आपको टाइम है तो इसको दो घंटे के लिए या ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन ये एक घंटे में भी बढ़िया हो जाती है कैप। तो दूसरी कैप को भी हम इसी तरह से रबड़ बैंड लगा करके एक ग्लास के ऊपर रख देते हैं और उसके बाद में आपको दो घंटे के बाद दिखाते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट आता है ये कैप इस पर रबड़ बैंड लगाने से। तो ग्लास पे हम इसको लगा के रख देंगे। देखिए इस तरह से हमने ये दोनों को लगा के रख दिया है। तो मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये देखिए दो घंटा हो गया है, मेरा काम भी सारा फिनिश हो चुका है और जल्दी से हो जाता है काम इस तरह से। देखिए इसको सीधा कर दिया तो ये निकालने के बाद में देखिए फिर से उसी तरह बढ़िया एकदम से उसी शेप में आ गई जिस तरह से हम लेके आते हैं मार्केट से। तो आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को तो वॉच करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। लेकिन आप लोग इसी तरह मेरा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते